हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुटेनमेंट हब पे। तो आज के जीके का पहला क्वेश्चन, जी हाँ, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी बल्लभी। आपके पास उत्तर देने के लिए 5 सेकेंड है। जी हाँ, इसका उत्तर है ऑप्शन सी नालंदा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? जी हाँ, ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। आपके पास जवाब के लिए 5 सेकंड है। जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। आई होप आप लोगों ने कमेंट किया होगा। प्लीज आप लोग कमेंट करके आप अपने जीके टेस्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवान किसे मानते हैं? जी हाँ, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी चैव्यन, ऑप्शन सी धन्वंतरी एंड ऑप्शन डी चरक। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धन्वंतरी। आई होप आपने कमेंट किया होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? जी हाँ, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी घटोत्कच एंड ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीगुप्त। आई होप आपने कमेंट किया होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? जी हाँ, आपके ऑप्शन है अरबों द्वारा, ऑप्शन बी हंगेरियाए द्वारा, ऑप्शन सी हुनों द्वारा, ऑप्शन डी तुर्कों द्वारा। जी हाँ, इसका आंसर है हुनों द्वारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आप इस चैनल पर पहली बार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को हिट जरूर करें, जिससे कि ऐसी रेगुलर क्वेश्चंस जीके आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब हम बिना वक्त गवाए आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? जी हाँ, ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी कुषाण वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश एंड ऑप्शन डी पाल वंश। जी हाँ, इसका सही आंसर है गुप्त वंश, ऑप्शन ए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? जी हाँ, आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। जी हाँ, आपके पास 5 सेकेंड है, इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। आई होप आप लोग सही से सभी आंसर्स कर रहे होंगे। अब हमारे तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, चीनी यात्री पाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया? जी हाँ, ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त एंड ऑप्शन डी कुमारगुप्त। जी हाँ, इसका आंसर है आंसर सी चंद्रगुप्त। जी हाँ, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? जी हाँ, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त एंड ऑप्शन डी कुमारगुप्त। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? जी हाँ, ऑप्शन ए घटोत्कच, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त एंड ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। जी हाँ, इसका सही आंसर है श्रीगुप्त। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उनके आंसर्स भी मिलेगा। और आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, जी हाँ, हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है क्वेश्चन नंबर 9, जो की था हमारा कवि कालिदास किसके राजकवि थे और जिसका आंसर था ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। आई होप आपको
आपको सभी आंसर्स मिल गए होंगे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि ऐसी रेगुलर वीडियो आप तक टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।